Hello students, this is the second lecture on the chapter power sharing. Student, in the last class you have seen the problem of Belgium and Sri Lanka. Today we are going to see how the two countries dealt with the problem of power sharing. So let's get started, students. Now to start with, first of all we see that in Belgium, between 1970 to 1993, the constitution was amended 4 times. यानी कि यहाँ का जो संविधान था बेल्जियम के अंदर, उसको 4 बार बदला गया और उसको इस तरह से बनाया गया कि उसमें सभी जो समुदाय थे, कम्युनिटीज थी, डच की, फ्रेंच की, जर्मन्स की, वे लोग सब कोई अच्छे से रह सके, सब लोग पावर को शेयर कर सके. Now let us see what were the different provision of the different amendments. Now the first feature of that Belgian model was number of Dutch and French ministers to be equal in central government. Now students, you know that of course in different countries we have central government, state government. So in Belgium also there is central government, and in this central government the number of the Dutch ministers and the French minister had to be equal. French or Dutch minister ka number equal hona hai Belgium ke central government ke andar. Iske alawa yahan pe jo special laws jo hote hain usko pass karne ke liye wahan ke majority members of both the communities is essential. यानी कि कुछ ऐसे कानून है जिसको पास करने के लिए दोनों कम्युनिटीज के मेजोरिटी मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए. कोई भी एक कम्युनिटी अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकती है, यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकती है. नाउ सेकंड फीचर, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दीज टू रीजन्स. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर बहुत सारे थे उनको दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वे अपने स्वतंत्र रूप से वहां काम कर सकें. देन स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो है बेल्जियम के अंदर वह सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं है, उसके अधीन नहीं है. थर्ड, ब्रसल हैड सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रसल जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, वहां पे सेपरेट गवर्नमेंट था जिसमें दोनों कम्युनिटीज डच और फ्रेंच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था. नाउ ब्रसल के अंदर जो फ्रेंच थे वे डच के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इसलिए स्वीकार किए क्योंकि पूरे कंट्री में जहां पे डच की मेजोरिटी था और फ्रेंच माइनॉरिटी में था, वहां डच लोगों ने फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंट देना मंजूर किया. नाउ अपार्ट फ्रॉम द लास्ट फीचर ऑफ दिस बेल्जियन मॉडल इज दैट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम के अंदर एक थर्ड गवर्नमेंट भी है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट. नौ ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है उसका उसको इलेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट जो मेंबर्स हैं एक कम्युनिटी के, जैसे डच कम्युनिटी के का एक अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है, तो फ्रेंच गवर्नमेंट का, फ्रेंच कम्युनिटी का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जर्मन्स का अपना, तो इस तरह से सभी कम्युनिटीज का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है. और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ये ज्यादातर वैसा काम देखती है जो कि एडुकेशन से रिलेटेड हो, जो कल्चर से रिलेटेड हो और जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड हो. नाउ ये जो चेंजेस लाया गया बेल्जियम के अंदर उससे बेल्जियम को बहुत फायदा हुआ. हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को लाने की कोशिश की गई है बेल्जियम में, लेकिन अभी तक वहां से ये सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है. और इस अमेंडमेंट्स के आने की वजह से
बेल्जियम जो कि पार्टीशन में जा सकता था, जहां पे सिविल वॉर्स हो सकता था, वो सबसे बच गया। नाउ लेट अस सी श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन द ईयर 1948। 1948 में श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी, जो कि वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसके लीडर्स ने नंबर ऑफ स्टेप्स लिए जिससे श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी का सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो सके। ये नंबर ऑफ मेजर्स क्या थे? पहला, एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। यहां पर तमिल लैंग्वेज को कोई मान्यता नहीं दी गई, उसको कोई स्टेटस नहीं दिया गया। दूसरा, गवर्नमेंट जो है श्रीलंका की, वह एक प्रिफरेंशियल पॉलिसी है उनका, वो जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उनको ज्यादा प्रीफर करती है। यानी कि श्रीलंका के अंदर जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, उनमें सिन्हाला एप्लीकेंट जो है उनको गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट करती है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में यह बताया गया कि स्टेट जो है वह बुद्धिज्म को फॉस्टर और प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि वह बुद्धिज्म रिलीजन को संरक्षित करेगी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब डिफरेंट जो मेजर्स लाए गए श्रीलंका के अंदर, इससे तमिल कम्युनिटी बहुत ज्यादा दुखी हुआ और इन दोनों कम्युनिटीज, सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच का रिश्ता बहुत खराब हो गया। श्रीलंकन तमिल जो थे, उन्होंने श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन किया और मूवमेंट चलाए और गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे डिमांड्स रखे। वे डिमांड्स क्या थे? पहला डिमांड जो तमिल्स ने किया वो यह था कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए। सेकेंड डिमांड उनका ये था कि उनको रीजनल ऑटोनॉमी प्रदान किया जाए। 1980s तक बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, वे ये डिमांड कर रहे थे कि श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में तमिल इलाम का फॉर्मेशन किया जाए। तीसरा, ये तमिल जो थे ये चाहते थे कि उनका भी गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी वो एक प्रिफरेंशियल पॉलिसी अपनाए हुई थी और वो केवल सिन्हाला एप्लीकेंट जो थे यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनको फेवर करती थी। तो तमिल्स ये चाहते थे कि उनको इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी दिया जाए एडुकेशन में और जॉब्स में। नौ, ये सब जो डिमांड्स थे वे माने नहीं गए और नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच का रिश्ता और खट्टा पड़ता चला गया और फाइनली यहाँ पे सिविल वॉर हो गया। इस सिविल वॉर में बहुत ज्यादा लोग मारे गए और बहुत सारे लोग को देश छोड़कर जाना पड़ा और दूसरे देश में शरण लेना पड़ा। इस पूरे चीजों से श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसकी, बेल्जियम एंड श्रीलंका, टुडे वी हैव स्टडीड दीज टू कंट्रीज एंड वी सॉ हाउ दे डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जहां पर बेल्जियम के जो लोग थे उन्होंने ये बात को समझा कि अगर हमको बेल्जियम को यूनाइटेड रखना है, उसको मजबूत बनाना है, तो यहाँ पे हमको सभी कम्युनिटीज को रिस्पेक्ट करना होगा, सभी क्षेत्र को रिस्पेक्ट करना होगा। इसलिए उन्होंने ऐसा बेल्जियम मॉडल लाया जिससे बेल्जियम को वो पार्टीशन से बचा पाए। वहीं पर हम देखते हैं कि श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया। वहां के जो सिन्हाला लीडर्स थे उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया। वो ये इस बात को नहीं समझ पाए कि ऐसा करके वो श्रीलंका की यूनिटी को डैमेज कर रहे हैं। वे श्रीलंका को सिविल वॉर में लेके गए और श्रीलंका को बहुत ज्यादा
डैमेज कराए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो देश होता है या कंट्री होता है और वहां के जो गवर्नमेंट होते हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कंट्री जो है यूनाइटेड रहेगा कि वह टूट जाएगा। बेल्जियम में पावर शेयर किया गया डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट रीजन्स के बीच में, और श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया, और दोनों का नतीजा हमारे सामने है, जहां पे बेल्जियम यूनाइटेड रह गया और श्रीलंका में हम देखते हैं वहां पे सिविल वॉर हो गया, बहुत डैमेज हो गया। सो विल स्टडी अबाउट अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय।